students welcome to my channel ech education today i'm going to explain chapter 9 people and forest of class 5 okay so let's start hmm. we have already learned how plant and forest are important natural resources forests are home to a wide variety of plant animal bird and insects they keep हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे और जंगल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी देते हैं और हमको ये भी पता है कि उन पेड़ पौधों पे कई एनिमल बर्ड और इंसेक्ट भी रहते हैं उनका घर रहता है वो दे आर आल्सो होम टू ग्रुप ऑफ़ पीपल ठीक है वो एक पीपल मतलब एक घर है ग्रुप ऑफ पीपल्स का ग्रुप ऑफ पीपल दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कारदिवासी इन इंडिया तो ऐसा ग्रुप ऐसे पीपल्स का ग्रुप जो जंगल में रहता है एक साथ वो ट्राइबल्स कहलाते हैं या फिर हम उसे आदिवासी भी बोलते हैं आदिवासीज़ आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल और आदिवासी जो रहते हैं वो पूरे जंगल पे ही निर्भर रहते हैं उन्हें जंगल से ही सब कुछ खाने पीने के लिए मिलता है ठीक फिर वो अपना जीवन यापन करते हैं सम ऑफ द आदिवासी ग्रुप लिविंग इन इंडिया आर अब कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो हमारे भारत में रहते हैं और उन ट्राइबल्स ट्राइब का नाम मैं आपको बता रही हूँ गोड़ भील खाँसी जारावास कोठ संथाल कोल लेप्चास and okay? Nagas. ओके in India we also फाइंड मैनी विलेजेस लोकेटेड adjacent. ठीक है टू द फॉरेस्ट एरियाज और हमारे भारत में ऐसे कई गांव हैं जो जंगल के साथ लगे हुए हैं नियर बाई हैं उसके आसपास हैं द पीपल ऑफ दिस विलेजेस टू आर डिपेंड और उन गांव के लोग भी उसी तरह से डिपेंड हैं उस फॉरेस्ट पर जिस प्रकार से ट्राइबल्स पीपल हैं ओके okay? आदिवासीस ऑफ इंडिया नेक्स्ट टॉपिक इज देखो नागा ट्राइब नागा ट्राइब आपको दिख रही है फोटो में है ना आदिवासी आर द इंडिजेनियस इट मीन्स नेटिव और द ओरिजिनल पीपल हु फॉज सेटल्ड इन इंडिया देखो आदिवासी जो हैं वो हमारे इंडिया में आ, सबसे पहले आए या फिर वो ऐसे लोग जिनका नेटिव प्लेस हमारा इंडिया ही है द लीव इन फॉरेस्ट एन डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑपरेट फ्रॉम द फॉरेस्ट और ये तो पक्का है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज पर ही ज़िंदा हैं क्योंकि जंगल से ही उन्हें सारी चीज़ें मिलती हैं बिहार झारखंड गुजरात छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल राजस्थान तमिलनाडु सब जगह ट्राइबल्स पीपल हैं उड़ीसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द अंडमान एंड निकोबार आइस आर ऑल आर होम टू डिफरेंट इंडिजीनियस इंडिजीनियस मीन्स होता है नेटिव उनका नेटिव प्लेस ट्राइबल ग्रुप्स इन एंशियंट टाइम द ट्राइबल्स हैव हैट देयर ओन किंग्स मतलब पहले के समय में क्या होता था ट्राइबल पीपल का एक खुद का राजा होता था जिसे वो चीफ भी बोलते थे राजा भी बोलते थे एंड देयर वर्ल्ड वॉज बियड द कंट्रोल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड और उनकी जो दुनिया थी बाहरी दुनिया के नियंत्रण से थोड़ी सी अलग थी हाउ एवर द ट्राइबल पीपल ग्रेजुअली लॉस्ट लॉस कंट्रोल ओर द फॉरेस्ट एन द ब्रिटिश के इन कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया देखो ट्राइबल पीपल का जो फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होता गया जब ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट की रिसोर्सिस को मतलब जो भारत के जो जंगल है उनकी रिसोर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया द ब्रिटिश लॉ कर देयर एसिस एसिस मींस रीचिंग प्लेस टू नेचुरल To natural resources, and as a result, tribal were greatly impoverished. Impoverishment means to become something better. Uh, after India won. इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 जब ब्रिटिश ने इस तरह से काम अपना करना शुरू कर दिया अपना हक जमाना शुरू कर दिया फॉरेस्ट रिसोर्स पे तो जो ट्राइबल पीपल थे वो थोड़े गरीब होते गए क्योंकि उनको फिर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पाती थी उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद होता है 1947 में तो गवर्नमेंट टू स्पेशल स्टेप टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल तो फिर सरकार ने ऐसे ट्राइबल पीपल के लिए कुछ सुरक्षा के अधिकार बनाए ट्राइबल पीपल है माइग्रेटेड टू टाउन और उस समय तक क्या हुआ कि कई ऐसे ट्राइबल पीपल थे जो शहरों की तरफ चले गए एंड सिटीज़ फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशन और वो अपने आ, मतलब काम की तलाश में चले गए अच्छे से रहने की तलाश में चले गए क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने तो आ, बहुत परेशानी करके रखा हुआ था नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइफ ऑफ ट्राइबल इन इंडिया द ट्राइबल पीपल लिव इन ग्रुप्स दे स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव इन द पर्टिकुलर एरिया एंड फॉलो द सेम कस्टम्स ट्राइबल पीपल ग्रुप्स में रहते हैं और वो एक सेम लैंग्वेज को बोलते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया पे ही सारे लोग मिलकर रहते हैं उनके कस्टम्स भी सेम होते हैं द हेड ऑफ़ द ट्राइबल ग्रुप इज कॉल चीफ और उनके जो हैड रहते हैं उसका नाम रहता है चीफ मतलब वो उसे चीफ बोलकर मुखिया बोलकर पुकारते हैं दे हैव देयर ओन रिलीजन एंड कल्चर सम हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुज्म देखो उनका खुद का एक रिलीजन धर्म रहता है कल्चर रहता है उनमें से कुछ लोगों ने तो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया तो कुछ हिंदू बन गए मैन ए स्टिल फॉलो देयर ट्राइबल रिलीजन और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अपनी ही जाति को फॉलो कर रहे हैं नेचर इज़ एन इन ओके इन पार्ट ऑफ देयर रिलीजन प्रकृति उनके धर्म का एक अभिन्न अंग होता है आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में गोड़ बेगा ट्राइबल पीपल्स हैं वो किस तरीके से अपने धर्म को मानते हैं है ना बस उसी तरीके से आप इन सब चीज़ों को पढ़ते जाइए दे बिलीव इन द स्प्रिट ऑफ़ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक रिवर फॉरेस्ट माउंटेन एनिमल फायर इट सी और ये जो ट्राइबल पीपल रहते हैं ये प्रकृति की जो चीज़ें रहती हैं ना जैसे जंगल हो गया नदी हो गई माउंटेन एनिमल और फायर हो गया इसको बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास रखते हैं एकदम आत्मा मानते हैं इन सब चीज़ों को और भगवान के रूप में इनको पूछते हैं मैनी ग्रूप्स एंड फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज स्केर्ड और इन सब चीज़ों को बहुत पवित्र माना जाता है पेड़ों को जंगलों को ये बहुत पवित्र मानते हैं ये लोग देर आर मेनी ट्राइबल पीपल हु हैव सेटल्ड इन अर्बन एरिया बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल है जो शहरी एरिया में शिफ्ट हो गए हैं वाइल अदर स्टिल लिव इन द फॉरेस्ट और आज आज भी कई लोग ऐसे हैं ट्राइबल्स जो कि uh, ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट में आज भी रह रहे हैं आदिवासी लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड सर्वाइव थ्रो हंटिंग गैदरिंग एंड कल्टिवेशन वहाँ पर वो शिकार भी करते हैं है ना वहाँ पर खेती भी करते हैं और अपना जीवन चला रहे हैं दे ऑल्सो कलेक्ट लीव बा प्लांट वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स वो वहाँ पर uh, पत्तियों को इकट्ठा करते हैं बाग्स को इकट्ठा करते मतलब तो पेड़ों की जो छाल रहती है उसको इकट्ठा करते हैं जंगली फल जड़ें होती हैं आप कभी अमरकंटक घूमने जाओगे तो वहाँ पर आपको जंगली फल और जड़ें भी मिलेगी कई लोग बैठे रहते हैं छोटे छोटे स्टॉल लगा के सेल करने के लिए दे मेक वेरियस प्रोडक्ट लाइक रोप और वो कई प्रोडक्ट बनाते हैं भाई जैसे कि रोप तो, uh, हो गया ऑयल ज्वेलरी मेडिसिन एंड अदर फूड प्रोडक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज गैदर फ्रॉम द फॉरेस्ट और जंगल से जो उनको रिसोर्सेज मिलती है उनसे ये सारी चीजें वो बनाते हैं द मनी दे द the they दे by selling this is used to for purchasing clothes, spices oil, grain etc. और जब वो ये सामान को sell out कर देते हैं तो फिर उससे जो पैसा आता है उससे वो अपनी जीने वाली चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़रूरत है उनको खरीदते हैं Products like broom, mat, basket are made from bamboo by the औरव ट्राइब एक औरव जनजाति रहती है जो बिहार में है एक होती है धनवार जनजाति जो छत्तीसगढ़ में है ठीक है और ये ये सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे झाड़ू चटाई और बास्केट ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफोरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्राइबल सोसाइटी डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्री डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बहुत बड़ी संख्या में पेड़ को काट देना ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है दिस इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये ब्रिटिश सरकार जब थी ना तब से शुरू है वैन द कॉलोनिकल वैन द कॉलोनियल गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेस्ट रिसोर्स द पर्प वॉज टू मेक स्पेस फॉर ह्यूमन टू सेटल एंड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन मतलब उनका ये कहना था कि हम पेड़ काट के लोगों को बसाएंगे वहाँ सेटल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खेती पर बढ़ावा देंगे दिस कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लार्ज स्केल रॉप द ट्राइबल पीपल ऑफ़ देअर लैंड एंड लाइवलीहुड उनको बड़ी दिक्कत हुई जब बहुत बड़ी संख्या में जंगलों को काटा गया तो लोगों को रहने की बड़ी दिक्कतें आ गई वहाँ पर चेंजेस इन फॉरेस्ट हैबिटेशन फोर्स मैनी ट्राइबल पीपल टू माइग्रेट टू सिटी एंड टाउन इन सर्च ऑफ बैटर लाइवलीहुड और इस वजह से बेचारों को शहरों की तरफ आना पड़ा ताकि वो वहाँ रह सके जी सके खा सके सकेयर अराबल इन सिटीज द एंड विलेज हैज़ मेड दैम उनके लिए गाँव भी बनाए गए बट ये बड़े बड़े मतलब दर्दनाक था इनके लिए सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन था वहां पर मतलब भेदभाव था डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू द अनफेयर है ना भेदभाव से उनको बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि अगर जंगल से कोई शहर की तरफ रहने आ रहा है तो शहरी लोग तो पहली बार उसको अजीब ही की तरह देखेंगे ही ट्रीटमेंट गिवन टू ट्राइबल पीपल ड्यू टू देयर ऑरिजन इवन नाउ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया सफ़र फ्रॉम प्री जुडिशियस लिटरेसी एंड पॉवर्ट्री और इस वजह से आज ये जनजाति कम पढ़ी लिखी है और गरीब है है ना चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल ट्राइबल ग्रुप आर नॉट The only people who depend on forest and resources. Forests also serve as valuable natural resources for other people of our nation. Over the year, the government too, uh, has taken step to protect the forest as well as the lives of those living inside or near the forest. Let us find out how this works. देखो जो ट्राइबल पीपल से वो हम मानते हैं कि जंगलों में रहते हैं जंगलों की चीज़ों को खाते हैं उसी का सारा यूज़ करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जंगलों में रहने वाले लोग जंगली चीज़ों का ही यूज़ करते हैं हम लोग नहीं करते हैं सभी लोग डिपेंड है फ़ॉरेस्ट पे हम कुछ अलग तरीके से और वो लोग कुछ अलग तरीके से तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जंगलों को सुरक्षित करने के तो चलो अब हम उसको पढ़ते हैं कम्यूनिटीज़ दैट डिपेंड अपन फॉरेस्ट रिसोर्सेज The Adivasis are slowly dependent on forest produce. Okay. However, people living in villages. नियर फॉरेस्ट ऑल्सो यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर मेकिंग मेडिसिन फूड फ्यूल बिल्डिंग मटेरियल लाइवली स्टॉक फॉर फॉर एंड अदर प्रोडक्ट है ना तो जिस प्रकार से हम लोग डिपेंड है उस प्रकार से गाँव के लोग भी उस पर डिपेंड हैं जैसे कि वो खाने के लिए ईंधन के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए या फिर अपने पशुधन के लिए क्योंकि जब तक जंगल नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से चारा वो लोग चरेंगे मैनी कम्युनिटीज देट आर डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देर लाइवलीड मेक यूज़ अ फॉरेस्ट एज ग्रेज इन ग्राउंड फॉर देयर लाइवली स्टॉक मुख्य रूप से क्या होता है वहाँ के जो समुदाय होते हैं है ना जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं वो अपने पशुओं के लिए जंगल का उपयोग चारागाह के रूप में करते हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइंट ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट public private ownership of trees refer of uh, refer to the forest being under the joint ownership of of the government as well as those living with the forest the tribal communities along with the villagers cooperate with the government and protecting the forest अब देखो जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे schemes चलाई हैं तो सरकार की scheme को क्या करते हैं ये थोड़ा कॉपरेट करते हैं, विलेजर। तो विलेजर्स के कॉपरेशन से और ट्राइबल्स के कॉपरेशन से हमारी जो स्कीम है वो प्रोग्रेस कर रही है नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्योर्ड क्रॉप्स नेक्स्ट इन दिस लास्ट टॉपिक देयर देयर आर एरियाज इन द फॉरेस्ट दैट आर कंसिडर होली बाय द लोकल पीपल दे आर स्क्यड एज दे आर एसोसिएटेड विद रिलीजियस बिलीफ और सम डाइटी डायटी मीन्स गॉडिश होता है ना जो uh, आदिवासी लोग रहते हैं वो पेड़ों को जंगल को नदी को इन सब को uh, इन सब में अपने धर्म को भी मानते हैं और इन सब में अपने देव देवी देवताओं को भी मानते हैं दे आर फोर ट्रीज दैट बिलोंग्स टू दीज ग्रूप्स आर नॉट अलाउड टू बी कट डाउन बाई पीपल इसलिए न वो लोग जल्दी से पेड़ को काटने के लिए अलाउ नहीं करते हैं ठीक है क्या wild date wood can be uh, collected but no living plant can be harmed Several रेयर हर्ब्स आर ग्रोन इन दिस ग्रोस बहुत सारी ऐसी ऐसी हर्ब्स हैं जो जंगलों में उगती हैं और उसका हमारा बड़ा यूज़ होता है तो जब कोई लकड़ी डैड हो जाती है इट मीन्स जो लकड़ी काम की नहीं रहती उसको वो लोग यूज़ करते बट कोई पेड़ रहता है उसको जल्दी से वो लोग नहीं काटते कोई नुकसान पेड़ को नहीं पहुँचाते हैं द गवमेंट प्रोमोट स्कीम टू इंकरेज पीपल टू प्लान्ट मोर ट्री सो दैट दे केन मीट देयर नीड्स ऑफ फूड सॉरी वुड वाटर फ्यूल एंड टिम्बर तो गवर्नमेंट ने क्या किया है जंगलों को बचाने के लिए एक स्कीम चलाई है लोगों को इंकरेज करते हैं वो और पेड़ लगाने के लिए और जिससे उनको वहाँ से लकड़ी मिले पाउडर मिले फ्यूल मिले और टिम्बर भी मिले वन महोत्सव इज़ हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन इन विच पीपल प्लान ट्री और फिर सरकार ने एक वन महोत्सव चलाया वो कब उन्होंने शुरू किया जैसे ही मानसून प्रथम मानसून आता है तब लोग पौधे को लगाएं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क आर अफोर्ट ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए नेशनल पार्कस बनाए किसने गवर्नमेंट ने टू सेव द फॉरेस्ट जंगल को बचाने के लिए सुरक्षित करने के लिए एंड द एनिमल लिविंग डियर और जो जानवर वहाँ पर रहते हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सारी स्कीम्स चलाए टाइम तो स्टूडेंट्स मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर हो गया है आई uh, होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन बड़ा पसंद आया होगा सो so, आप आराम से ध्यान से स्टॉप uh, कर करके इसको देखिए पॉज कीजिए फिर देखिए समझिए आपको बहुत अच्छा लगेगा सो so, देखने के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर एंड बाय